हेलो एवरीवन, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गोवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गोवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो केमिकल काइनेटिक्स यूनिट है हमारी यूनिट फिफ्थ, उसकी तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बेटा हम रेट ऑफ रिएक्शन और इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक भी पिछली क्लास में हमने पढ़े थे, जिनमें सबसे पहला कारक था बेटा सांद्रता। द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियमानुसार जो हमने पढ़ा था बेटा कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार अभिक्रिया वेग क्रियाकारक सांद्रताओं के समानुपाती होता है। किसके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अतः किसी अभिक्रिया में उच्च क्रियाकारक सांद्रता अगर ली जाए तो उस अभिक्रिया का वेग भी बहुत ज़्यादा होगा। वो अभिक्रिया क्या है, तीव्र वेग से संपन्न हो जाएगी। अब दूसरा था बेटा इसमें ताप। रासायनिक अभिक्रियाएं क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्करों के माध्यम से संपन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए अभिक्रिया मिश्रण के ताप में वृद्धि करने पर अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसलिए वेग में भी वृद्धि प्रक्षित होती है। अतः उच्च तापों पर अभिक्रियाएं तीव्र वेग से संपन्न होती हैं। इसका दूसरा रीज़न हम देखें बेटा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस उन अणुओं की, उन रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से बेटा उसकी वेलोसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़, उसकी रेट भी बढ़ जाएगी। और रेट बढ़ने से क्या होगा बेटा, कोलिजन बढ़ जाएगा। और कोलिजन बढ़ेगा तो हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, ईजिली। समझ रहे हो ना, इस तरीके से प्रेशर, ठोस व द्रव अवस्था में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो दाब से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, यानी कि अप्रभावित रहती है। किंतु गैसों के लिए दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, इसलिए गैसीय अभिक्रियाएं उच्च दाबों पर तीव्र वेगों से संपन्न होती हैं। N2+3H2, यानी कि एक मोल हमने नाइट्रोजन का ले लिया और तीन मोल हमने हाइड्रोजन के ले लिए, और फेरस और मोलिब्डेनम हमारे पास कोई उत्प्रेरक है, ठीक है बेटा, उसमें। तो इनकी, फेरस और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में हमने 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया यहाँ पे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये जो प्रोसेस संपन्न होगी, ये जो प्रोसेस हमारे पास आएगा N2+3H2, तो ये ट्वाइस NH3 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से उत्प्रेरक का प्रभाव, वे पदार्थ जिन्हें अल्प मात्रा में अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर वे अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, किंतु परिणामी रूप से स्वयं अप्रभावित रहते हैं। कैटलिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर वो क्या करता है बेटा कि जो अभिक्रिया को वो एक अल्टरनेट पाथ उपलब्ध करा देता है। क्या करा देता है, अल्टरनेट पाथ उपलब्ध करा देता है, ठीक है, और स्वयं अप्रभावित रहता है। और ये क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे ट्वाइस KClO3 हमने लिया था और MnO2 उसमें था, तो 3O2 निकल गया था वहाँ से, जल्दी ये रिएक्शन हो गई थी। फिर प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश के प्रभाव में हमने पढ़ा था बेटा कि प्रकाश की जो विकिरणें होती हैं वो निश्चित विकिरणों का अवशोषण कर लेती है रासायनिक अभिक्रियाएँ, और वे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो हम अपने आसपास भी देखते हैं, क्लोरोफिल। पेड़ पौधों का भोजन बनना, हम जो छोटी क्लासों में पढ़ते थे कि पेड़ पौधे भोजन अपना कैसे बनाते हैं, तो 6CO2 वायुमंडल से क्या लेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वो उनकी जो जड़ है वहाँ से ले लेते हैं, पानी वहाँ से आ जाता है। सनलाइट की उपस्थिति में, ये देखो सनलाइट, यानी कि वो जो भी उनको निश्चित मात्रा की प्रकाश विकिरण चाहिए उसका वो अवशोषण करके और C6H12O6 यानी कि वो ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है बेटा। फिर विलायक था, फिर हमने क्रियाकारकों की प्रकृति के बारे में पढ़ा था कि आयनिक यौगिक रासायनिक अभिक्रियाओं में अवयव आयनों के रूप में होते हैं, अतः इनकी अभिक्रिया अत्यधिक तीव्र गति से संपन्न होती है। क्रियाकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्रियाकारक पदार्थों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होता है टक्करों की संभावना या प्रायिकता भी उतनी ही अधिक होती है, ठीक है बच्चों। मैंने बताया था आपको चीनी का एग्जांपल, चीनी को जल में घोलो और नमक को जल में घोलो, दोनों को सेम मात्रा में ले लो आप, तो नमक आसानी से घुल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं वेग स्थिरांक और वेग समीकरण। तो बच्चों वेग स्थिरांक और वेग समीकरण में क्या क्या हम किस तरह से पढ़ेंगे,
उसकी शुरुआत करते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग की क्रियाकारक सांद्रता पर निर्भरता। वेग की किस पर निर्भरता बेटा? क्रियाकारक सांद्रता पर निर्भरता की व्याख्या करने वाली समीकरण वेग समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ये वेग समीकरण कहलाती है। माना कि एक रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से संपन्न होती है जिसमें हमने क्या किया, ए का कैपिटल ए का स्मॉल ए मोल, कैपिटल बी का स्मॉल बी मोल और कैपिटल सी का स्मॉल सी मोल ले लिया, और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है बेटा? प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हम द्रव्य अनुपातिक क्रिया के अनुसार क्या करेंगे, वेग बराबर वेग प्रोपोर्शनल टू ए, कैपिटल ए जो है ये इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, कैपिटल बी की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, और कैपिटल सी की कंसंट्रेशन में, यानी कि रिएक्टेंट्स हैं ये ए बी सी, इनकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग हमारा वेग पर डिपेंडेंस हो जाएगी, है ना। तो ये स्मॉल ए कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ए का स्मॉल ए भाग में से कैपिटल ए का जो रिएक्टेंट है हमारे पास उसका स्मॉल ए यानी कि नंबर ऑफ मोल क्या है, ए, ए में से कितना मोल किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, तो उसको वो उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। तो ए की जो घातांक के रूप में लिख लें, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा, है ना। तो वेग बराबर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह अब हम हटा देते हैं, तो वेग बराबर के इंटू ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा। अब ये अल्फा बीटा गामा यहाँ क्या है, अल्फा बीटा गामा यहाँ पर है ए बी व सी की कोटियाँ, और के क्या है, वेग स्थिरांक। यह समीकरण ही उपरोक्त अभिक्रिया की वेग समीकरण कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह समीकरण ही क्या कहलाएगी, उपरोक्त अभिक्रिया की वेग समीकरण कहलाएगी, और इसी से ही फर्दर हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, इसी वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है बच्चों, इसी वाले कॉन्सेप्ट से हमारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हम आगे चलते हैं बच्चों कि अगर हम जो ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन जो हमारे पास रिएक्टेंट है वन मोल पर लीटर मान लें, वन मोल पर लीटर हम मान लें, तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, वेग किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, तो वेग किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया। बिल्कुल सही बात है, किसके बराबर हो गया, वेग के बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में समस्त क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रताएँ, ध्यान देना बेटा, पदार्थों की क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रताएँ इकाई होने की स्थिति में प्रक्षित अभिक्रिया वेग को वेग स्थिरांक अथवा विशिष्ट अभिक्रिया वेग के रूप में परिभाषित कर देते हैं। यानी कि किसी निश्चित ताप पर एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान सदैव स्थिर होता है, किंतु भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न होगा। और ये वाली कंडीशन कब आएगी, जब हम जो रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर मान लेंगे, वन के बराबर। यानी कि ए की कंसंट्रेशन भी वन, बी की कंसंट्रेशन भी वन, सी की कंसंट्रेशन भी वन, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगी, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब अभिक्रिया वेग वो वेग स्थिरांक में क्या अंतर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये 5 नंबर में आपके पूछा जाता है यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशंस में। ठीक है, अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में क्या डिफरेंस होता है। अभिक्रिया वेग यह क्रियाकारक व उत्पाद सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन की दर है। क्या है ये, क्रियाकारक और उत्पाद सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या बताता है, अभिक्रिया वेग बताता है। इसी तरह से वेग स्थिरांक यह इकाई क्रियाकारक सांद्रताओं की स्थिति में प्रक्षित अभिक्रिया वेग है। क्या है ये, प्रक्षित अभिक्रिया वेग है। ठीक है, अभिक्रिया वेग में समय के साथ निरंतर कमी आती है। क्या होता है बेटा, अभिक्रिया वेग में टाइम के साथ क्या होती है, निरंतर कमी आती रहती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं। ठीक है,
किसी अभिक्रिया के लिए, जबकि इधर वेग स्थिरांक क्या है, किसी अभिक्रिया के लिए, किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या है, स्थिर होता है, इसमें समय के साथ कमी या वृद्धि नहीं होती है। अभिक्रिया वेग की इकाई सांद्रता समय इन्वर्स यानी कि मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स होती है, जबकि वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। अब अभिक्रिया की कोटि क्या थी बेटा, ए की पावर ए अल्फा, बी की पावर बीटा और सी की पावर गामा थी हमारे पास, ठीक है ना, इसी तरह से थी। और इसी और वेग स्थिरांक का जो मान है वो अल्फा बीटा और गामा पर डिपेंड करता है अभिक्रिया की कोटि पर, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा क्या है, कोटि है अभिक्रिया की, ऑर्डर है अभिक्रिया का, ठीक है। तो इस तरह से जो वेग स्थिरांक का मान है वो अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस पर डिपेंड करेगा। अब अणुसंख्यता मोलिकुलरिटी, कोटि व अणुसंख्यता में क्या अंतर होता है, मोलिकुलरिटी, किसी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के वेग में भाग, किसी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की कुल संख्या, ध्यान दे बेटा, किसी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं रिएक्टेंट्स है ना, एटम्स और मूलकों की कुल संख्या, आयंस की कुल संख्या को अभिक्रिया की अणुसंख्यता के रूप में हम परिभाषित कर देते हैं। जबकि कोटि क्या है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन क्रियाकारक स्पीसीज की संख्या जो अभिक्रिया का वेग निर्धारित करती हैं, क्या करती हैं बेटा, ये जो अभिक्रिया का वेग निर्धारित करती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटि कहलाती है। इसलिए कोटि को किसी अभिक्रिया की वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों के योग, जो कि मैंने बताया था बेटा अल्फा बीटा गामा तीनों का योग कर देंगे हम, सांद्रता पदों की घातों के योग के रूप में परिभाषित हम करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, इसको एग्जांपल से समझते हैं, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया का वेग को, H2 वन मोल, Cl2 वन मोल और HNu की उपस्थिति में 2 मोल ये हमें दे रहा है। अब वेग स्थिरांक क्या है, वेग स्थिरांक के H2 का की पावर 0 और Cl2 की पावर 0 है ना, जबकि यहाँ पर क्या लिया था हमने, 1 मोल, यानी कि 1 मोल काम में ही नहीं आया, उससे पहले HCl में कन्वर्ट हो गया वो। तो अणुसंख्यता क्या है, अणुसंख्यता तो बेटा एक ये 2 हो गई, जबकि कोटि क्या है, कोटि इन दोनों की घातों का योग जो कि 0+0 है, समझ गए। अब इसी तरह से ट्वाइस N2O5, अब ये क्या दे रहा है हमें गर्म करने पर, 4NO2 और O2 दे रहा है। अब वेग समीकरण कैसे लिखेंगे, वेग इक्वल्स टू K N2O5, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अणुसंख्यता क्या है, अणुसंख्यता तो वही बेटा इसके N2O5 के आगे क्या है, 2, तो ये अणुसंख्यता हो गई। और कोटि क्या है, कोटि हो गई बेटा ये पावर, वेग की पावर क्या है, के पे 1 हो गई ना, तो ये कोटि क्या हो गई बेटा, 1 हो गई। इसी तरह से CH3COOH और H2H+ हमने दे दिया, तो CH3COOH और CH2OH हमारे पास आ जाएगा। अब वेग क्या है, K × इस पर डिपेंड करेगा हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, ठीक है, किस पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे हमारे पास डिपेंड ये करेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको कि जो हमारे पास कोटि है वो समीकरण में सांद्रता पदों की घातों के योग के रूप में हम उसको परिभाषित करते हैं। और कोटि व अणुसंख्यता में अंतर क्या है, कोटि और अणुसंख्यता में क्या अंतर है, कोटि क्या है बेटा, ये कोटि उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या है जो अभिक्रिया वेग का निर्धारण करते हैं, किसका निर्धारण करते हैं बच्चों, ये अभिक्रिया वेग का निर्धारण करते हैं। जबकि अणुसंख्यता क्या है, ये अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारक परमाणु आयनों की कुल संख्या है। ध्यान दे बेटा बहुत माइनर सा डिफरेंस है इसमें, कि क्रियाकारक अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया वेग का निर्धारण करते हैं, जबकि यहाँ पर टोटल अभिक्रिया क्रियाकारक अणुओं, परमाणु और आयनों की कुल संख्या, यह एक प्रायोगिक राशि है, जबकि यह एक सिद्धांतिक राशि है, यह थ्योरेटिकल है और यह प्रैक्टिकली है। इसे अभिक्रिया के लिए प्राप्त प्रायोगिक वेग समीकरण, ठीक है बच्चों, अभिक्रिया के लिए प्राप्त प्रायोगिक वेग समीकरण
से प्रक्षित करते हैं इसे, जो भी अभिक्रिया, ठीक है बच्चों, यानी कि वेग बराबर के ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा, तो अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते थे हम उसको, ठीक है ना। इसे अभिक्रिया के लिए पर्याप्त प्रायोगिक वेग समीकरण, वेग बराबर क्या था के, उससे करते हैं बेटा। इसे अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण से हम प्रक्षित करते हैं। कोटि के शून्य भिन्नात्मक या पूर्णांक मान संभव हो सकते हैं। कोटि जीरो ऑर्डर की भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, और पूर्णांक मान भी इसके संपन्न है। जबकि अणुसंख्यता के अशून्य धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दे बेटा, अशून्य धनात्मक पूर्णांक मान ही संभव है। कोटि का ज्ञान अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है हमें, ये कोटि का जो ज्ञान है अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की हमें जानकारी देता है, अतः कोटि क्रियाविधि निर्धारण में सहायक है। जो रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास आती है उसके बारे में हमें कहाँ से पता लगेगा, ऑर्डर से, कोटि से। जबकि अणुसंख्यता मॉलिकुलरिटी का ज्ञान क्रियाविधि निर्धारण में सहायक नहीं होता है। अब ये बेटा, ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोटि यानी कि जो ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी में अंतर क्या है। मॉलिकुलरिटी हमेशा क्या होगी बेटा, धन पूर्णांक होगी, जबकि कोटि क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर भी हो सकती है, भिन्नांक भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है। और वेग निर्धारक पद में, वेग निर्धारक पद में जो कंसंट्रेशन चेंज हुई है ना, उससे डिनोट करते हैं हम, उसके योग से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।